हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मैं अभी बर्तन धो रही हूँ, बताइएगा कैसे हैं आप लोग। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ दोपहर में, और मैं अभी बर्तन धो रही थी, जो हम लोग खाना खाए थे वो वाला बर्तन। साबुन खत्म हो गया बर्तन धोने वाला। तो यहाँ पे चींटी काट लिया, देखिए फूल गया कितना यहाँ पे। तो बताइएगा आप लोग कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और अभी का धूप इतना कड़क निकल रहा है ना कि लग रहा है मौसम एकदम वैसा निकल रहा है। अब बड़ा बड़ा दिन भी हो गया है, दिन लग रहा है कितना बड़ा है। और मेरे चैनल का नाम चेंज हुआ है, तो प्लीज़ वो मत करिएगा कि पता नहीं क्या नाम हो गया। नहीं, मेरे चैनल का नाम चेंज हुआ है। मेरे चैनल का पहले सिंपल लाइफस्टाइल था, तो अब रीना ब्लॉग हुआ है, मेरे नाम से हुआ है। तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि दूसरा कोई ब्लॉग है। नहीं, वही ब्लॉग है, सिर्फ नाम नेम चेंज हुआ है। तो देखते हैं नाम से भी कुछ फ़र्क पड़ता है कि क्या होता है। तो मेरे नाम से रीना ब्लॉग है, तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बहुत दिनों से इसी नाम से कंटिन्यू हो रहा था, मतलब सिंपल लाइफस्टाइल। तो बच्चों ने एक बार नाम चेंज करके मतलब बोल रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, आप लोग तो सपोर्ट तो कर नहीं रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए। बहुत दिन हो गया चैनल खोले हुए, लेकिन
अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, देखिए क्या क्या करते हैं हम लोग, क्या होता है। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद में, जस्ट अभी खाना खाई हूँ तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। ब्लॉग में बने रहिएगा, आज मैं छत पे चलूँगी, गमला उमला में माटी उटी मुझे सबको मिलाना है, तो मैं ले चलूँगी आप लोगों को छत पर, और उस वाले फूल का हाल भी दिखाऊँगी कैसा है। तो आज मुझे चार दिन शायद हो गया कि 5 दिन हो गया उस फूल को दिखाए हुए, तो उसको भी मैं दिखाऊँगी कैसा है, ठीक है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हेलो फ्रेंड, तो देखिए मैं उस टाइम मिलने के बाद अभी मिल रही हूँ। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, बहुत शोर कर रहे हैं, इसलिए मैं ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं कर रही थी। तो मैं अभी लेके बैठी हूँ फ्रूट, तो ये है पपीता, और अभी नाश्ता खाने का टाइम है, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मतलब कुछ तेल वाला खाने का, तो मैं फ्रूट ही ले ली, पपीता था तो इसी को काट ली। और मैं नमक भी नहीं रखी हूँ, ऐसे ही सिंपल खाते हैं। तो आज का मेरा यही नाश्ता है, और मीठा है। और इसको खाने के बाद मैं चलती हूँ छत पे, और छत पे जाऊँगी तो कितने भी जो गमला था खाली हुआ है उसमें मुझे मिट्टी डालना है, और मिट्टी डालने के बाद एक दो जो पौधा है उसको छोटा छोटा डब्बा में वो हो गया है तो उसको बड़ा मैं करूँगी, और थोड़ा सा मिट्टी नीचे लाकर भी रखूँगी, गमलों में मिट्टी कम हो गया है, तो अभी फ़िलहाल यही काम है। और उसके बाद खाना पीना करेंगे क्योंकि 5:30 हो गया है, तो चलिए मैं फटाफट इसको फिनिश करती हूँ, उसके बाद हम ऊपर चलते हैं, तो मिलती हूँ मैं। और ये बहुत मीठा है, तो चलिए मैं मिलती हूँ खाने के बाद, छत पर चलते हैं तो मिलती हूँ। तो देखिए जितना ज़मीन था इधर खाली, सब पे घर बनने लगा है, कितना जल्दी जल्दी घर बन रहा है। तो मैं अभी आई हूँ छत पे, और वो वाला फूल भी दिखाती हूँ, अब मुरझा गया है देखिए, अब ये मुरझा गया है। कम से कम मैं 4 दिन बाद आई हूँ, और ये वाला जो था वो अभी फुलाया है, ये भी फूले हुए 2-3 दिन हो गया मुझे लग रहा है, ये भी मुरझा रहा है, और अभी और फूलेगा इसमें से। और यहाँ पे रखा है मिट्टी, और यहाँ पे रखा है 2 गमला, और ये सब खाली है, इन सब मैं भरूँगी और इस सब में मैं पौधा लगाऊँगी। तो चलिए मैं लगाती हूँ, उसके बाद में फिर आप लोगों को दिखा दूँगी फाइनल, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो फ्रेंड, तो देखिए मैं छत पर मतलब छत पे ब्लॉग स्टार्ट की, उसके बाद मैं कंटिन्यू भी नहीं की, तो कल मैं जाऊँगी तो दिखा दूँगी, गमला उमला सब अच्छे से सेट कर दी मैं, और छत पे भी झाड़ू उड़ू लगा दी। और आते आते मुझे काफ़ी लेट हो गया, तो मैं आई हूँ अभी खाना बनाने के लिए, तो देखती हूँ खाने में क्या बनता है। तो शाम को मैं सब्जी काट दी थी, दिखाती हूँ आप लोगों को, प्याज टमाटर और ये गोभी और मटर को मैं काट उट के पानी में रख के तब गई थी, तो अभी मैं इसी का सिंपल जो हल्का मसाला डाल के होता है सब्जी बनाऊँगी, और उसके बाद थोड़ा सा रोटी बनाऊंगी। तो चलिए खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, कम से कम देखिए बन गया खाना, लास्ट रोटी बची है छोटी सी, तो यहाँ पे बन गया रोटी, इसको हम वैसे फोल्ड करके रखेंगे कि गर्म रहेगा। और यहाँ पे बन गई है गोभी फ्राई, तो रोटी सब्जी मेरी डन हो गई, खाना भी हमारा रेडी हो गया। खाना बनाने जाइए तो बनने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ उसको रेडी करने में टाइम लगता है, मतलब सारे चीज़ों को। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, हम मिलेंगे फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और न्यू फ्रेंड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और थोड़ा सपोर्ट जरूर करिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, मिलेंगे हम लोग कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।